गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल भावना सारस्वत। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइज एक्चुअली आज मेरा ऋषि पंचमी का व्रत था तो मैंने को तैयार होना था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। तो गाइज मैंने ये सिंपल सा पूजा मेकअप लुक क्रिएट किया है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाइज बहुत सिंपल लुक है, मुझे मेकअप करना आता नहीं है, आप लोग मेरे से रिलेट कर पाओगे। तो जो गलतियाँ हुई हों प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। गाइस सबसे पहले मैं लगाऊंगी टोनर, ये है एल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर है, काफ़ी अच्छा टोनर है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है ये टोनर। स्प्रे फॉर्म में आता है, बहुत ही प्यारा टोनर है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी गुड वाइब्स की रोज़ हिप सीरम, काफ़ी अच्छी सीरम है, इसको लगाते ही फेस पर बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है। गाइस मेरी आईब्रोज़ को अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा मैंने बनवाई नहीं है, 2 महीने हो गए। तो ये रोज़ हिप सीरम लगाते ही देखिए बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देती है ये, काफ़ी अच्छी सीरम है अफोर्डेबल रेंज में। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की ऑरेंज जेल, ये मुझे बहुत पसंद है, इसको तो मैं रेगुलर लगाती हूँ अपने स्किन केयर रूटीन में, तो इसलिए मैंने यहाँ भी लगाई है। इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ करूँगी ये गुड वाइब्स की वीट जम क्रीम, ये क्रीम भी काफ़ी अच्छी है, इसको मैं रेगुलर बेस पर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र की तरह वर्क करती है ये, और साथ में प्राइमर की तरह भी वर्क करती है, तो मुझे बहुत ही अच्छी क्रीम लगी है ये, तो मैंने इसको लगा लिया। इसके बाद मैं अपने लिप्स पर लगा लूँगी ये वादी हर्बल का लिप बाम, जो कि बहुत ही ज़रूरी है लिप्स की केयर रखना भी, तो ये मैंने अपना लिप बाम लगा लिया है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अब अपने मेकअप की तरफ। मेकअप के लिए मैं सबसे पहले यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्टेक्वर्की का सीसी क्रीम, मैंने बताया था ना गाइज ये बहुत ही सिंपल बेसिक मेकअप है, घर में पूजा होने के लिए है ये मेकअप, पूजा वगैरह घर में नॉर्मली कुछ भी करना हो तब के लिए मेकअप है ये। तो मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही, मैंने यहाँ पर ये सीसी क्रीम यूज़ की है स्टेक्वर्की की, और क्या बोलते हैं इसको, बस मैं उंगलियों से हल्का सा डैप डैप करके लगा लूँगी। इसके बाद मैं मेबलिन का ये मेरे पास फेस पाउडर है, उससे मैंने इसको थोड़ा सेट कर लिया है, जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं बाद में डस्ट ऑफ कर दूँगी, बस अभी मैंने थोड़ा सा मेकअप लगा लिया था ये पाउडर, और क्योंकि थोड़ा भी कुछ हुआ ना थोड़ा सेट हो जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा उसके बाद मेरे पास जो आईब्रो पेंसिल है ब्राउन कलर की मैंने इसको स्पूली की हेल्प से कॉम कर दिया और हल्का हल्का पेंसिल फिल करूँ, मैं ज़्यादा आईब्रो से कुछ नहीं कर रही क्योंकि बनी हुई नहीं है, तो बहुत ही कर रही हूँ उसमें, उनको आगे जो के ठीक करूँगी और भी अच्छे से मेकअप कर पाऊँगी। गाइस मेरे पास जो मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है, उसमें से मैंने वाइट कलर अपनी उंगली पर लेकर आईब्रो अपने आई लिड पर लगा दिया है, जो बेस जैसा काम करेगा। गाइस मैं अभी बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रही, जो है मैं उसी से सीखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सामान भर लो और आप सीख ना पाओ उसमें कोई फ़ायदा नहीं ना, तो मेरे पास जो है मैं पहले उसी को यूटिलाइज़ कर रही हूँ, मैं उसके बाद ही जो खरीदूंगी। अभी मैं मेरे पास जो है मैं जो रिसोर्सेज है मुझे लगता है उन्हीं से मुझे सीखना चाहिए। इसके बाद गाइस मैंने थोड़ा सा पिंक शेडो भी लगा लिया था, और इसके बाद मैंने मस्कारा अपनी लैशेस पर लगा लिया है, ये है ब्लू हेवन का मस्कारा, मुझे तो मस्कारा ठीक लगा, डेली पर्पज़ से भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, पार्टी वगैरह में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद गाइस इसके बाद मुझे ना मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मैं कॉन्टोर नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा कि ना कॉन्टोर छूट गया है, तो मेरे पास ना इसमें से एक मैंने डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है, मैं उसी से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। मैंने कहा अभी सीखना ही तो है, अभी सीखने के चक्कर में महंगे महंगे प्रोडक्ट ले लो क्या फ़ायदा है, तो मैंने इस आईब्रो से ही कॉन्टोर करने की कोशिश किया, सॉरी आई शेडो से, तो ठीक हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ बट ठीक हुआ है। एक तो करना नहीं आता बट फिर भी कोशिश की गई है, तो मुझे लगता नहीं कि कोशिश करना बुरा है, तो मुझे लगता है मैंने ठीक किया है, बाकी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, मैं जैसे जैसे और वीडियोस बनाऊंगी अपने लिए। तो मैंने इस तरीके से डार्क आई शेडो से फेस को कॉन्टोरिंग कर दिया है, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हमारा हाइलाइटर जो कि मैंने अभी इंडिपेंडेंस डे सेल में ख़रीदा था, ये है मास्टर क्रोम हाइलाइटर मेबलिन से, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, हाइलाइटर लगा कर तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा है, मैं सोचती हूँ काश मैंने पहले क्यों नहीं लगाया, तो इसको लगाते ही बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है एकदम फेस पे, मैंने ना आईज के इसलिए इनर कॉर्नर्स पर भी लगा दिया थोड़ा सा, और काफ़ी अच्छा है। इसके बाद ये एन वाई बेक की लिपस्टिक है शेड नंबर 1, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है,
और अब इसके बाद मैं अपने जो हेयर है ये फेस मिस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वयम की। मेरे पास कोई सेटिंग स्प्रे नहीं है, मैंने सोचा फेस मिस्ट को ही यूज़ किया जाए और ये लॉक कर देगी मेकअप को। इसके बाद मैंने अपने हेयर में यूज़ किया है लेवॉन सीरम और ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने साड़ी चेंज कर लिया, इयरिंग्स पहन लिए हैं। ये इयरिंग्स हैं सरोजनी नगर मार्केट से, आई थिंक 150 रुपये के ख़रीदे थे, बहुत ही अच्छे इयरिंग्स हैं। सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा ली, अगर आप मैरिड हो तो सिंदूर बिंदी लगा लो और आप नहीं हो तो नहीं लगाओ। और मैंने कोई स्टाइल नहीं किया क्योंकि बाल मेरे थोड़े गीले ही थे। इसके बाद ये मैंने आपको अपना फुल लुक दिखा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। और गाइस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा फुल लुक है, साड़ी आप देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, बाय।